Hey guys, welcome back to another vlog. This side I am K007. So friends, आज अपने अजमेर के अंदर जो ख्वाजा गरीब नवाज है इनकी दरगाह के पास, तो अपन जाने वाले अभी ढाई दिन की झोपड़ी, जो ढाई दिन के अंदर झोपड़ी बनाई गई थी ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे अभी जाने वाले, तो चलते हैं उसकी तरफ। चलो सो फ्रेंड्स, अभी आप भी जा रहे हैं ढाई दिन की झोपड़ी देखने के लिए। सो ये अपनी होटल और नाव, ये है मोहसिन भाई जो अभी खुद ढाई दिन की झोपड़ी दिखाने जा रहे हैं। तो चलते और मिलते हैं अभी सीधा दरगाह रोड पे। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ढाई दिन की झोपड़ी के पास, तो देखो वो झोपड़ी का मेन गेट, तो चलते उसके अंदर। सो ताज़ा पी के जाइए, ठंडा पी के जाइए, गन्ना पी के जाइए, दस रुपए गिलास आइए, गन्ने का जूस पी के जाइए, ₹10। सो फ्रेंड्स, ये है मेन गेट, जो डेढ़ दिन का दिन की हवेली है, वो आधे दिन की हवेली, सॉरी। तो देखो इसका गेट कैसा है, तो एकदम पुराना है, ओल्ड है। तो चलो इसके आगे चलते हैं। तो ये है आधे दिन की झोपड़ी। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये जो झोपड़ी है ना, ये आधे दिन के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी। तो देखो यार, कितनी बड़ी झोपड़ी है ये, और ये अढ़ाई दिन के अंदर बनाए, मतलब कैसे बनाई होंगी। तो अपन देख सकते हो यहाँ पे, इस साइड देखो, वहाँ पे भी कैसे एकदम डिजाइनर और ओल्ड फैशन है, तो बहुत साल पुराने है ये। तो अभी देखते हैं इसके आगे जाके, वहाँ पे भी देखो इसके ऊपर भी जो है ना, तो कैसे डिजाइन बनाया हुई है, तो अपन देखेंगे। चलो नगिस जाके। उस साइड देखो, वो है तारागढ़, अपन गए थे इसके पहले भी। तो फ्रेंड्स, ये है आधे दिन की झोपड़ी। तो झोपड़ी उस देखो कैसा है, तो इसके दीवार पे भी ना कुछ ना कुछ अलग डिजाइन और लिखा हुआ भी है। तो इसको दीवारों को एकदम जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। चल तो फ्रेंड्स, ये झोपड़ी है ना, तो झोपड़ी के अंदर एक मस्जिद है। ये सामने जो है वो मस्जिद है, और ये जो बाकी है पूरी झोपड़ी है। तो देख सकते हो ये जो दीवार है ना, तो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है और एकदम डिजाइनिंग बना हुआ है। तो यही आपको दिखाना है कि कोई ढाई दिन के अंदर कैसे झोपड़ी बना सकता है। तो इसके अंदर भी तुम घुस करके देख सकते हो कि अंदर भी जो भी बना हुआ है, तो कैसे एकदम इससे बना हुआ है। ऊपर भी एकदम डिजाइनिंग बना हुआ है, और ये देखो ऊपर से इतना डिजाइनिंग बना हुआ है। इसके ऊपर भी चेक करो, इसको बोल कितने गेट है यार, वो जो को देखो उधर से भी गेट है, इधर भी है और इस साइड भी है। तो ये एक मस्जिद ही है जो झोपड़ी बोलते हैं उसको, और यहाँ पे देखो जो डिजाइनिंग है सब वैसे ही है हर तरफ। तो मैं तुम्हारा को इस साइड का दिखाता हूँ कैसे है। तो
अबे यार ये गेट है शायद, और यहाँ का बाहर का एरिया ये है मेन झोपड़ी। ये अपने मोहसिन भाई जो देख रहे हैं अभी कैसा हुआ, कैसे बनाया हुआ यार ये। तो यहाँ पे ना हर टाइम, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हर टाइम भीड़ होती है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत दूर दूर जगह से यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और मोहसिन भाई अभी घूमने में बिजी है, अलग अलग देख रहे हैं कुछ तो भी न्यू ना। चेक यार कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। इसके जो दीवार है ना वो दीवार भी चेक करो यार, तो कितने डिजाइनिंग से बना हुआ है ये। और फ्रेंड्स इसके गेट अपन देख ही नहीं है, जो वहां पे है ना वो एक गेट है, उसके बाद इधर तो नहीं है, इसके बाद वो वहां पे शायद दिख रहा है और इधर भी है। तो अभी देखते हैं, इसके ऊपर जाने का रास्ता है तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से शूट करेंगे और कुछ फोटोज वगैरह काटेंगे। तो फ्रेंड्स वो जो देख रहे हो ना पहाड़ी, वो पहाड़ी पे अपन कल गए थे, तो वो है तारागढ़। तो तारागढ़ का ब्लॉग मैं यूट्यूब पे डाला हुआ हूँगा या डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले डालूंगा या उसके बाद डालूंगा मेरे को भी अभी उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि एडिट करने का बहुत बाकी है। तो जितनी भी अपनी अजमेर की सीरीज आने वाली है ना, तो एक के बाद एक आने वाले उस पर। और ये अभी जो यहाँ पे आया मैं, तो ये यहाँ पे एक गेट है, यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है शायद, पर लेकिन अभी बंद है वो। और देखो ये सारी चीजें। तो अभी तो फ्रेंड ये मोहसिन भाई अपने कैमरामैन, हाय तो भी करना भी, और अपन अब करेंगे सिनेमैटिक शॉट। तो चेक करो सिनेमैटिक शॉट। नाउ फ्रेंड्स यही है अढ़ाई दिन की झोपड़ी, ढाई दिन की झोपड़ी। सो अभी इतना ही है यहाँ पे दिखाने जैसा। सो इसके बाद अपन यहाँ पे कुछ फोटो शूट करेंगे, और उसके बाद अगली जो लोकेशन है अपन वहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में।